ये जो है हाफ में ओपन हो रहा है। ये फिट होता है 2015 जो नया मॉडल है, 15 से लेकर 23 तक जो है सो आसानी से इंस्टॉलेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ऐसी लोकल क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी यानी कि स्ट्रांग है। तो हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अजमत, आप देख रहे हैं टेक एंड टैक्टिक एंड होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन एंड परफेक्ट। तो गाइस आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ हुड लिफ्ट असिस्ट। तो ये फॉर्च्यूनर का जो है सो हुड लिफ्ट असिस्ट है। बाजार में जो है सो काफ़ी महंगे आते हैं और काफ़ी जो है सो सस्ते भी आते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है सो जाइए जाके जो है सो टोयोटा के जो है सो जेन्युइन पार्ट्स खरीदिए, क्यों बोलते सो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि 600-700 रियाल्स के जो है वो पार्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो है सो मैं अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बिल्कुल जो है सो ये पॉकेट से, मेरे पॉकेट से जा रहा है। हम इसको लगाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो हम इसको जल्दी जल्दी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। इसको क्या है, मैं ऑलरेडी जो है सो ओपन करके देखा था, तो कुछ इसकी ऐसी कुछ पैकिंग आती है, बिल्कुल ओईएम बॉक्स बोलते हैं ना, उस टाइप में जो है सो इसकी पैकिंग आती है। और हम कर देंगे इसको टेन आउट। यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, आप खुद इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कहीं बाहर देने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके सऊदी अरेबिया में जो है ना हर काम खुद अपने आप से करना पड़ता है, तो इसकी वजह से जो है सो काफ़ी इजी इंस्टॉलेशन है, कोई हेडेक की बात नहीं है। और आप लोगों को जो है सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, मैं कहाँ से लिया, किधर से लिया। तो बॉक्स के अंदर दो पीसेस निकलते हैं, तो कंपनी का नाम है शिंगजांग, तो ये कुछ चाइनीज़ कंपनी है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है, और जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा मेटल में है। ऐसा नहीं कि जो सो प्लास्टिक है, ऐसा कुछ प्लास्टिक नहीं है, सारा का सारा जो है मेटल में है। और ये इसके जो है ना हुड के पास लगाने के जो है इसलिए कुछ पार्ट्स हैं, स्क्रूज है, बोल्ट्स हैं, हर एक एक चीज़ लोगों ने दिया है। तो प्लग एंड प्ले है, तो हम इसको आसानी से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर है नट्स बोल्ट्स और ये है हुड के पास लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी ऐसी लोकल क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी यानी कि स्ट्रांग है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो है हम जाएंगे गाड़ी के पास, और गाड़ी के पास जाके जो है इसको जल्दी जल्दी इंस्टॉलेशन करेंगे, और कहाँ कहाँ पे लगाएंगे हम पूरा आपको जो है सो वीडियो में बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस आ गया हूँ गाड़ी के पास। तो ये फिट होता है 2015 जो नया मॉडल है, 15 से लेके 23 तक जो है सो आसानी से इंस्टॉलेशन हो सकता है। तो हम खोल देंगे इसका हुड। टोयोटा का काम है कि जो है इतना जो है सो पैसा तो ले रहा है, तो पैसे में जो है सो इतना एक सस्ता वाला जो है सो कोई चाइनीज़ वाला डाल दें, चलो जेन्यून नहीं तो कोई एक चाइना का तो भी डाल दो, कोई मसला नहीं है। बाज़ार में इतने सारे जो है सो मिलते हैं आसानी से, फिर भी जो है सो टोयोटा बस नाम का काफ़ी नाम है बस, उसके अलावा जो सब कमेंट से बटो। तो गाइज हम करेंगे इंस्टॉलेशन, मैं बताऊंगा कि जो है दो पार्ट्स हैं यहाँ पर। एक है इसको खोलना पड़ेगा, यहाँ पे जो सो दो बोल्ट्स हैं, ये दो बोल्ट्स इधर है और दो बोल्ट्स वो साइड में हैं। तो ये दोनों बोल्ट्स हम खोल के जो सो इसको फिट करेंगे आसानी से। तो गाइज इसके अंदर जो सो क्लियरली मेंशन करा हुआ है राइट एंड लेफ्ट। तो ये दो राइट एंड लेफ्ट क्या है बोले तो जो है अगर आप ऐसा फेस करेंगे कार के ऊपर तो आपका राइट ये आएगा, लेफ्ट ये आएगा, ऐसा नहीं। गाड़ी जब फेसिंग ये साइड में कर रही है तो राइट इधर जाएगा और लेफ्ट इधर जाएगा, इसका ख़ास ध्यान रखिए, क्यों बोलते सो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, बाद में फिर आपको खोलना निकालना पड़ता है। बोल्ट खोलने के लिए हमको चाहिए 12 mm का जो है सो रिंग, गोटी भी कहते हैं इसको, वो थोड़ा सा मैं लॉन्ग कर रहा हूँ इसको खोलने के लिए। ओए खोले को जितना टाइट था आप टाइट भी उतना ही करेंगे, इसको लूज़ नहीं रखेंगे, ऐसा लूज़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इसको जो है ना फुल टाइट करके जो है सो रखिए उसको। ओके ओके इट्स टू हार्ड। ओह अभी आएंगे गाइस हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके लिए, ये इसके जैसे दो जगह आते हैं और हमको लगाना है इसको यहाँ पर नज़दीक ले और नज़दीक ले जस, ये जाएगा ऐसे अंदर ऐसे और
ये ऐसा बाहर ही रहेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत आराम से, क्यों बोलते सो अगर ये अंदर गिर गया तो फिर निकलेगा नहीं। ये जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर। तो गाइस इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो आप देखिए कि जो है सो यहाँ पर जो है ना इसका बोल्ट लग चुका है और यहाँ से जो है एक पिन की तरह है ये अंदर वाला जो बोल्ट है, नट जो है ये अंदर से लगेगा और बोल्ट जो सो बाहर लग गया है। और यहाँ ऊपर भी वैसा ही है, नट जो है बाहर है और बोल्ट जो सो अंदर है। और आपको जो है ना ये दो खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है ना ये एक ही बोल्ट खोलना है और ये सेकंड वाला जो है आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक ही बोल्ट पे जो है टिक जाएगा। और जो है वो साइड में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक लग गया इधर और एक लग गया है इधर। इसको खोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है ना सिर्फ ये वाला खोलिए और यहाँ पर जो है फिट हो जाएगा आराम से, वरना आप दोनों खोल देंगे तो जो है गिर जाएगा। तो गाइज़ अभी मैं बताऊंगा कि जो है सो इसका जो ओपन और क्लोज़ का जो सिस्टम कैसा हो जाएगा। तो अभी जो है बिल्कुल ज़्यादा फोर्स डालने की भी ज़रूरत नहीं, ओपन करते वक्त भी नहीं, एक वन फिंगर से भी आप इसको ऊपर कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि जो है सो जेन्युइन प्रोडक्ट्स में जो है क्या है ऐसा लगाओ तो ऐसा ही होगा, ऐसा सब बेकार बातें हैं, उतना जेन्युइन जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल और इजी चाइना वाले जो है हर चीज़ बना रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, कंपनी भी अच्छी है, फिटिंग भी बड़ी आसानी से हो गई है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का वो ले रहा हूँ, मैं आप कौन सा भी लीजिए, ये नहीं कोई दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं आप, लेकिन ईजी हो जाएगा बहुत। यानी कि मेरा मतलब ये है कि जो है सो ज़्यादा पैसा डाल के ख़राब मत करिए, कोई भी चाइना वाला जो है आराम से जो है सो फिट हो जाएगा। तो ये जो है हाफ में ओपन हो रहा है, क्लोज़ करने के लिए भी आसानी है। तो वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ईट वेल, स्लीप वेल, बाय बाय।